नमस्कार दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल में एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे जारी की गई है कि आप लोग का जो आवेदन का करेक्शन है वहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अब आप लोग अपने जो आवेदन में सुधार है वहाँ पे कर पाइएगा। किस तरीके से आप लोग का सुधार होने वाला है इसकी जानकारी जो है अब आप लोग का पोर्टल पे यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो मैं आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने सहारा रिफंड पोर्टल में आवेदन किया है और अपना एप्लीकेशन यहाँ पे फाइनल सबमिट कर दिया है, उसके बाद किस तरीके से आप यहाँ पे सुधार कर पाइएगा, कुछ आप लोग का गलती हो गया है तो आप फॉर्म किस तरीके से एडिट कर पाइएगा, उसकी पूरी जानकारी जो है आप लोग का पोर्टल पे यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। तो वो मैं आप लोग वहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है कल या फिर परसों एक जो है आप लोगों का मैसेज आ रहा था सभी लोगों को कि यहाँ पे आपका जो आवेदन है उसमें कुछ ना कुछ गलती है। इस पर मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर जानकारी दिया था, जिसमें कि आप लोगों का जानकारी दिया गया था कि आप लोगों का जो आवेदन है वो आप लोग यहाँ पे गलत है, कुछ ना कुछ आप लोगों का जो डिटेल है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। आप लोग लॉग इन करके एक बार अपना जो डिटेल है उसको यहाँ पे चेक कीजिए। लेकिन वहाँ पे लॉग इन करने के बाद आप लोगों का जो डिटेल था वहाँ पे कुछ भी आप लोगों का शो नहीं कर रहा था और ना ही फॉर्म आप लोगों का रिजेक्ट यहाँ पे शो कर रहा था। तो उसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि अगर आप लोगों को मैसेज मिला है आप लोगों का फॉर्म में कुछ गलती है तो आपको किस तरीके से सुधार करना है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग हैं उनको यहाँ पे जानकारी मिल सके और हम आपके लिए जो इसी तरीके की जो वीडियो है वो हमेशा लाते रहें। चलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म में सुधार करना होगा, करेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले जो आप लोगों का सहारा रिफंड पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है, इस पोर्टल पे आप लोगों को आना है। यहाँ पे आप लोगों को जमा करता पंजीकरण या फिर जमा करता लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे देख पाओगे एक जो है अपडेट आप लोग यहाँ पे किया गया है, एक जो है आप लोगों का जानकारी यहाँ पे दिया गया है जो कि पहले आप लोगों का नहीं दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ अपडेट आप लोगों का किया गया है, इसमें क्या जानकारी दिया गया है वो आप यहाँ पे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों का जानकारी दिया गया है, सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाए के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है और प्रथम चरण में जो है 10,000 रुपए तक की धनराशि प्रतिपात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं के सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े आधारतन बैंक खाते में जमा की जा रही है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने जो आवेदन किया है उसमें जो आप लोगों का प्रक्रिया है वो यहाँ पे चल रहा है, आप लोगों का आवेदन एक्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है और जिन भी लोगों का यहाँ पे आवेदन अप्रूव हो जाता है सारा कुछ यहाँ पे सही रहता है तो उनको जो प्रथम चरण में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पहला चरण आप लोगों का यहाँ पे चल रहा है, तो प्रथम चरण में आप लोगों को 10,000 रुपए की जो धनराशि है यानी कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में जो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का पैसा 1,00,000 हो, 50,000 हो, 45,000 हो, कुछ भी आप लोगों का पैसा रहता है, लेकिन आप लोगों को पहला जो किस्त मिलेगा वो सिर्फ 10,000 का मिलेगा। आगे धीरे धीरे करके आप लोगों का जो पैसा है वो आप लोगों यहाँ पे वापस किया जाएगा। तो आप लोगों को जो है आवेदन तो एक साथ करना है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों को जो पैसा मिलेगा वो सिर्फ 10,000 रुपए आप लोगों यहाँ पे मिलने वाला है और जो भी आप लोगों का DBT इनेबल यहाँ पे बैंक अकाउंट होगा उसमें डायरेक्टली आप लोगों का जो पैसा है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दिया गया कि ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावे को दस्तावेज में किसी कमी मिलान ना होने के कारण संशोधित नहीं किया जा सका है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियां दूर करने और आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। इन दोस्तों यहाँ पे क्या है कि वैसे लोग जिनका यहाँ पे आवेदन में कुछ गलती हो गया है या फिर दस्तावेज वहाँ पे सही से अपलोड नहीं किए हैं या फिर जो कुछ डिटेल वहाँ पे मैच नहीं कर रहा है वो कुछ डिटेल गलत डाल दिए हैं, तो ऐसे में जो है उनको यहाँ पे मैसेज के थ्रू जानकारी दिया जा रहा है कि आप लोग का जो आवेदन है उसमें कुछ गलती है। जो कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यहाँ पे लोगों को मैसेज मिल रहा है, अभी आप लोगों को थंबनेल दिख रहा होगा वीडियो का और जो मैसेज का स्क्रीनशॉट है वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें कि आप लोगों को साफ साफ जानकारी दिया गया है कि आप लोगों का जो आवेदन है उसमें कुछ गलती है। वही आप लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि जिनका भी यहाँ पे आवेदन में गलती है उनको यहाँ पे जो सुधार करने के लिए बोला जा रहा है और जो भी कमियां है उसको दूर करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है और फिर से जो आवेदन है उसको यहाँ पे करने के लिए बोला जा रहा है। तो पोर्टल के माध्यम से आप लोगों को दोबारा आवेदन करना होगा तो किस तरीके से आवेदन होगा वो भी आप यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे आप लोगों को जानकारी दिया गया है कि पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा जमाकर्ताओं की कमी की सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के बाद सक्रिय होगी। यानी कि मान लीजिए जिस दिन भी आप लोगों का मैसेज आता है कि आप लोगों का जो आवेदन है उसमें कुछ गड़बड़ी है, आप लोगों का गलती है, जो आप लोगों का मैसेज कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये मैसेज अगर आप लोगों को मिलता है तो ऐसे में 30 दिन के बाद एक लिंक जो है आप लोगों यहाँ पे एक्टिव किया जाएगा। जब आप यहाँ पे लॉग इन कीजिएगा तो वहां पे आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप यहाँ पे जो सुधार कर पाइएगा। जो भी डिटेल आप लोगों का दिया हुआ रहेगा उस डिटेल में आप सुधार कर पाइएगा और वहां पे साफ साफ आप लोगों को क्लियर बता दिया जाएगा कि क्या गलती है, किस गलती के कारण आप लोगों का जो आवेदन है उसको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया, उसको आप लोगों पे सुधार करना होगा। तो ये जो है आप लोगों यहाँ पे अपडेट जारी किया गया है कि आप लोगों को 30 दिन के अंदर, अगर मान लीजिए आप लोगों का आवेदन रिजेक्ट होता है तो उसके 30 दिन के अंदर जो है आप लोगों यहाँ पे लिंक मिल जाएगा और 30 दिन के बाद जो है आप लोग यहाँ पे सुधार कर पाइएगा। अभी फिलहाल जिनको भी यहाँ पे मैसेज मिला है उनका यहाँ पे लॉग इन करने के बाद उनको जो यहाँ पे रिजेक्टेड शो
नहीं कर रहा है, वहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग आप लोग का शो कर रहा है। तो अभी आप लोग को इंतजार करना है, इस पे काम चल रहा है। जो आप लोग को मैसेज मिला है उसके 30 दिन के बाद जो है उसके बाद आप लोग का लिंक भी वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और क्यों आप लोग का आवेदन रिजेक्ट हुआ है, क्या गलती है, वो भी आप लोग वहाँ पे शो कर देगा। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे जो अपडेट जारी किया गया है कि अब आप लोग वहाँ पे सुधार होने वाला है, सुधार के लिए जो लिंक है वो यहाँ पे एक्टिव किया जाएगा। तो ये आप लोग का साफ साफ जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जानकारी दिया गया है, मैं आपको कुछ भी अपने मन से यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, आप जो खुद भी आकर इस वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, आप लोग को पूरा जानकारी यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे अपडेट जारी किया गया, मैंने आप लोग वहाँ पे पूरा जानकारी दे दिया है, साथ में आप लोग को बता दिया कि किस तरीके से आप लोग को सुधार करना होगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा, गरीब वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद।